चलो ना मायशु, वेरी गुड बेटा। ओ वाओ, मम्मा का सामान मिला। चलो 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 चलो, अभी लड़की उठेगी नहीं यहाँ से। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ बहुत प्यार से, आपको अच्छा लगेगा। चलो कम फिश। अरे यार, अरे यार, नियॉन ऑरेंज पिंक एंड येलो। कलरफुल है। नहीं बेबी, चोट लग जाएंगी उन्हें। मायशा फिश उसने ना मुझे बोला कि अभी आप ना आधा दर्जन ले जाओ, 500 रुपए की दर्जन थी, मतलब 12 बेटा दे रही है मम्मा दे रही। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ना इनको सिर्फ 6 लिया। उसने कहा एक बार अगर फिश चलती है तो काफी लंबा चलती है, नहीं चलेगी तो मैडम हम डिसकंटिन्यू कर देना। और इस बार मैंने ना इनके लिए ऑक्सीजन का ये भी लिया है, ऑक्सीजन मिले इनको उसके अंदर। वो ये छोटी ना एक्वेरियम में फंस के मर जाती है। आप मुझे बताओ कि आपकी तबीयत कैसी है? आपकी तबीयत सब भूल गई सब फिशी है। ये आप ठीक हो? मायशु की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, उसे सर्दी जुकाम है, तो तेल लगा हुआ है। खूब चली मालिश कर दी है दादी ने तेल लगा के, है ना। अच्छा ठीक है। जस्ट बहुत अभी था तो एक्वेरियम हमने सेट कर दिया, वो लगा बहुत अच्छे से, थोड़ा सफाई करनी है अभी, काफी काम फैला हुआ है। मम्मी चाय कहाँ गई? मम्मी सुबह से निकली हूँ, 1 बजे से सुबह से नहीं दोपहर से निकली हूँ, बहुत सारी चीजें लेनी थी आज मुझे, आज बहुत बड़ा दिन था। एंड उसके बाद हम फहीम की गाड़ी के लिए गए थे, फहीम जो गाड़ी ले रहा है उसके लिए गए थे, बुकिंग अमाउंट डाले। ओ भाई जीगू, जीगू जीगू का दिल तुम पे आया। जीगू गाइस, मायशु का भाई आ गया है। जीगू जिगाटा, ओए जीगू, ओए जीगू, जिगाटा जिगाटा बोलने लग गए लोग। जीगू कैसा है? जीगू मेरा कैसे कैसे शॉकिंग रिएक्शन दे रहा है ये, मैं कहां आ गया? हमने पापा की तरफ देख रहा है। हमारी मछली देखो, मायशु को सिर्फ फिश ही देखनी है और कुछ नहीं देख। लग गई वही वही। हां नहीं बेटा, उसमें हाथ नहीं डालना है। पाप इसने क्या बोला? ये कौन है पापा? ये है पापा, ये भी है पापा, ये भी है पापा, वो भी है पापा, वो भी है पापा। ये कौन है? ये तो बुआ है। ये कौन है? छोटी बुआ है। ये दादा दादी है। ये तो बड़े पापा। ये ले पापा। मायशु कम कम देख रहे हो इसकी कितनी एक्साइटमेंट हो रही है। मायशु मम्मा शूज लाई, आपको कैसे लगे? वो तो एक्साइटमेंट ही बता रही है। चू 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 करना है। चू 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 चू, चलो चलो आ जाओ, जल्दी आओ, आ जाओ, जाओ दादू को डांस करके दिखा दो, जाओ दादू को दिखा दो, जाओ दादू दादू को। बस बस मायशु को इतने अच्छे लगे शूज। मायशु मायशु देखो, वाह वाह, क्या हो गया आपको? चक्कर आ रहे हैं? अरे अरे बर्फ गिरने वाली है, बर्फ गिरने वाली है। अरे बस मायशा बस करो, हो गया भाई। चलो मायशा की तबीयत खराब है, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो रखी है। मेरे को आते ही मैंने जो कपड़े चेंज कर लिए उसके बाद मैं इसे निन्नी आ गई और फिर मम्मा मम्मा करके साथ में आ जाती हूँ। बहुत जल्दी सो रही है, मुझे पता है रात में उठ जाएगी। आप देख सकते हो डार्क सर्कल्स भी हैं क्योंकि कल रात में मायशा बीच में उठ गई थी तो मुझे भी उठना पड़ा। बट ठीक है, अभी वो बहुत परेशान है इसलिए उसको मैं इसी टाइम पे सोने दे रही हूँ। वैसे इसका टाइमिंग 11:30 और 12 के आसपास है, बट अभी 9:30 सो रही है तो पक्का उठ जाएगी रात में। A few moments later.
सो मुझे कुछ चीज़ें करनी थी, जैसे कि कुछ ज्वेलरी निकालनी थी, कुछ कपड़े थे एंड ऑल। अभी मेरे को मेरे लेंसेज है ना उनको ठीक रखना है, मतलब कॉन्टेक्ट लेंसेज जो काफ़ी सारे होते हैं ना, तो उनको थोड़ा बहुत मैं सोल्यूशन में डाल के रखती हूँ। गाइज यू नो कुछ लोग हैं जैसे कहते हैं कि साइमा यू डू सो मच ओवर एक्टिंग, यू डू एक्टिंग ओवर एक्टिंग, समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ हाउ आई एम, मैं कोई ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ। हाँ मैं एग्जैक्टली ऐसी हूँ कि फ्लो में कभी भी कोई इमोशन निकल जाता है, कोई भी वर्ड निकल जाता है, दिस इज़ हाउ आई एम, दिस इज़ नॉट एट ऑल ओवर एक्टिंग। तो जिनको भी ऐसी दिक्कत है तो प्लीज़ वो मत देखो, मतलब यू नो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी को हर्ट करते हैं एंड आई फील लोगों को बोलते वक्त नहीं समझ आता कि आपने किसी को हर्ट किया, बट हर्ट हो जाता है। तो प्लीज़ बस यही मैंने कुछ ऐसा देखा तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा यार कि मैं जो हूँ मैं वही आपके साथ दिखाती हूँ, मतलब मैं फेक बन के नहीं दिखाती हूँ। और जब मैं फेक बन के लगूँगी तब आपको लगेगा ओवर एक्टिंग है, तब ठीक लगता है, बट मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ। कभी मेरी फैमिली, मतलब जो भी मुझसे लोग मिल चुके हैं मीट एंड ग्रीट में, उनको शायद पता चल गया होगा कि मैं एक्चुअली मैं कैसी हूँ। ऑर्डर देने पे रात को 12 बजे मैं चिली गार्लिक नूडल्स लेके आया हूँ। शायद कहना है मत दिखाओ, मेरा ट्रेनर भी देखता है, मेरा डाइटिशियन देखता है, वो मुझे बोलेगा चीट डे चल रहा है। ओके ये देखो, दिखा ना, दिस इज सो नाइस, सो ब्यूटीफुल ना। मीठा नहीं खा सकती मैं, काजू की है ये, काजू कलश है ये, काजू समोसा है, काजू मेवा समोसा, अंदर मेवा भरा होगा काजू की परत में। ओह माय गॉड, सो सैटिस्फाइंग। देखा ये शायद ने नहीं मंगाया, मुझे आने में 12 बज गए देखो। तो ये बीवी को ना एक तरीके से पटाना या बीवी का मुंह बंद करना कहते हैं इसे, कुछ खाने का लिया बीवी उसका भूल जाती है। चीप ट्रिक है, नोट कर लो लड़के सारो। आया ये बिल्कुल वही वाली वाइब है ना जब मैं पहले आता था शादी के टाइम पे, शादी के बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए जाता था भर के, पर फिर पूरा घर डाइटिंग पे चला गया। ऐसी डाइटिंग स्टार्ट की 2 साल हो गए, डाइटिंग खत्म नहीं हुई हमारे घर की। ये लोगों को मैं यही बताती कि मेरी वेट लॉस जर्नी इतनी ईजी नहीं थी, बहुत बहुत मुश्किलों से गुजरी है, बहुत बीच में ब्रेकडाउन्स हुए हैं मेरे को। शायद तो बीच में आज से 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले उम्मीद से छोड़ दी थी कि मैं पतली नहीं हो पाऊंगी कभी, नहीं हो पाऊंगी, मतलब मैंने सिर्फ 2-3 kg लॉस किया था। फिर जब मेरी जिंदगी में साहिल आए, मेरे डाइटिशियन, ये डाइटिशियन पता कैसे मिला, ये एक दिन में एक दोस्त साथ बैठा था और हम बैठ के खा रहे हैं मजे से चिकन खा रहे हैं, कहता भाई डाइटिशियन है बहुत अच्छा है तू एक बार ट्राई करके देख। मैंने ट्राई किया, मुझे रिजल्ट दिखे, मैंने तुरंत शायद दिखाए शायद रिजल्ट मिले और आज मेरा पूरा घर साहिल से डाइट ले रहा है, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार फ्रेंड्स वगैरह सब साहिल से डाइट ले रहे हैं। और जो एक बार लेता वो छोड़ता नहीं है उसे, इस उम्मीद में कि अभी 1 किलो और कम हो जाएगा और 1 किलो कम हो जाएगा। और मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में दिखाया था ना आपको कि मैं 59 में हूँ, गाइस अब मैं 49 की हूँ। हाँ अभी ये चाउमीन है उसमें से मैं 2 बाइट लूँगी, मेरा फिक्स होता है कि मैं चीट कर रही हूँ तो कितना पर्टिकुलर चीट करना है ताकि अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई कर पाऊँ। ये आपको नहीं, ये साहिल को जस्टिफाई कर रही है। नहीं साहिल इतना नहीं देख। A few moments later. रात के 1 बज रहे हैं और ये मुझे मैं छोड़ गई रात के 1 बजे, मैं मुझे कीड़े से डरा रहा है, कीड़े से, लिटरली कीड़े से, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा डरती हूँ इसलिए मैंने गेट लॉक कर दिया। यहाँ पे एक जिंदा कीड़ा पड़ा था जिसको मैंने पकड़ के बाहर फेंक दिया और एक्टिंग की, मैं उसे पकड़ के लिया हाथ में। अबे यार इसको पता नहीं क्या सुपर हीरो बनना है, सबको ये बचाएगा। उड़ गई, अभी 2 मिनट में सो जाएगी फिर मम्मी को दे देंगे। बेटू को बुखार चल रहा है थोड़ा थोड़ा, इसलिए हम मेरे पास सो रही थी। ये तो मेशो नहीं, मम्मी नोजी तो इतनी गंदी है, मामा नोजी क्लीन कर ले, फुल अच्छा
बेटू सो जाना, शायद तुमने उठाया है। देखो तुम भागे उस कमरे में, मैं एक बार भी नहीं जाता उस कमरे में। डर लगता है, कैसी बात है? तो डर लगता है, कहीं भाग जाओगे? बच्चे के पास डर को लेके भाग गए? नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग माइशु, क्या हो गया? क्या हो गया? इस घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम ही है। प्रॉब्लम है, इलाज करते क्या हुआ बताते? परेशानी पर परेशानी के इलाज कोई नहीं करता। काढ़ा आपके लिए? अरे मैं नहीं पीऊंगा। सुबह सुबह उठते आदमी काजू बर्फी खाना चाहता है। काढ़ा ले लो, काढ़ा ले लो। अरे कोरोना खत्म हो गया मम्मी यार, ये मम्मी काढ़ा बंद नहीं हो रहा है। उंगली छोटी वाली मम्मी, इसकी उंगली में छोटी में बहुत दर्द है और पिछले 2 महीने से हमने सिखाई भी की थी इसकी। करी थी? क्या दिन करी थी? 2 दिन गर्म पानी में नमक डाल के। 2 दिन अभी नहीं पर पहले के 2-3 पर आराम हुआ था। ये करती नहीं है, ये वही है उंगली, वही है जो ठुक गई थी ज्यादा। हाँ तो बेटे नमक से उससे ठीक हो गई, गर्म पानी और नमक से सेक। इसको बहुत दर्द है, इसको चलने में दिक्कत हो रही है मम्मी। अब देख और यार माइशू तो पता नहीं है, मैंने खोल दिया तीसरी बार। माइशू गुड मॉर्निंग। ऑलराइट गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। अभी फिलहाल के लिए तो बहुत सारी चीजें फैला दी है माइशू ने, पोछा लगा दूँ, घर की सफाई कर दूँ और मैं और मम्मी निकलना है हमें चांदनी चौक, तो इसलिए बाय।